उधर बड़ी खबर है, शेयर बाजार में मंदी का तूफान। अमेरिका और ईरान में तनाव का असर है, शेयर बाजार में तेजी से शेयर गिर रहे हैं। युद्ध की घोषणा से शेयर बाजार में बेचैनी है, शेयर बाजार में मंदी गहराई है। आज शेयर बाजार का ताजा हाल अगर उस पर नजर डालें तो बीएसई सेंसेक्स में फिलहाल 647.53 अंकों की मंदी है। एनएससी निफ्टी में फिलहाल 190.20 अंकों की मंदी है। बीएसई सेंसेक्स फिलहाल 40,817.08 अंकों पर है तो एनएससी निफ्टी फिलहाल 12,036.45 अंकों पर पहुंचा है। तो मंदी का असर देखा जा रहा है शेयर बाजार में, मंदी का तूफान है। और फोनलाइन पर संवाददाता विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, शेयर बाजार में मंदी का तूफान सा आ गया, जिस तरह से लगातार शेयर गिर रहे हैं, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, इसमें पूरी जानकारी यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव चल रहा है, उस तनाव का असर पूरे विश्व भर के शेयर बाजारों पर नजर आने लगा है। मतलब शुक्रवार को जो बाजार में मंदी थी, वो मंदी आज सोमवार को भी गहराने लगी है। जैसे शुक्रवार को करीब 200 अंकों के आसपास की मंदी थी, वो आज बढ़कर के 600 अंकों से ज्यादा हो चुकी। सोमवार को जब शेयर बाजार खुले थे, उस समय करीब 200 अंकों की मंदी थी, जो अभी दोपहर तक बढ़कर के 640 अंकों के आसपास पहुंच चुकी है। इसमें दर्शकों को ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि एक तरफ जहां शेयर बाजार में गिरावट है, वहीं दूसरी ओर बुलियन मार्केट अर्थात सोने और चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी रही है। शनिवार को भी सोना और चांदी दोनों महंगा हुआ था। इसके अलावा सोमवार को जैसे सोने की बात करें तो करीब 800 रुपए के आसपास से इसके भाव बढ़े थे, चांदी में 1000 रुपए की तेजी आई है। अर्थात जो निवेशक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो अब अपना चेंज करके बुलियन मार्केट की ओर जा चुके हैं। एक चिंता की बात यह है कि ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो हालात बिगड़े हैं, इसका असर पेट्रोलियम पदार्थों पर भी नजर आने लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो इनमें भी तेजी का रुख रहा है। आज भी जैसे पेट्रोल और डीजल दोनों की ही कीमतें बढ़ी है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अभी ये जो तनाव की स्थिति है, इसका असर ये फिलहाल नजर आ रहा है। अगर ये तनाव खत्म हो जाता है तो नेचुरली इस असर को भी खत्म होने में समय नहीं लगेगा, और अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इसको वाइस वर्सा ये देखा जा सकता है कि और बाजारों में तेजी से गिरावट आएगी। और बुलियन मार्केट की बात करें, सोना और चांदी की बात करें, तो इन सोना और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं में मजबूती आने की उम्मीद की जा सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विमल आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो अमेरिका और ईरान में जिस तरह से तनाव है, उसी का असर है कि शेयर बाजार में मंदी का तूफान आया हुआ है। लगातार मंदी गहराई हुई है, हालांकि इस पे अगर कुछ नरमी आती है, तनाव थोड़ा खत्म होता है तो तुरंत असर भी नजर आएगा, लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो और भी मंदी का दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि तेलों पर इसका जरूर असर पड़ेगा, पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी यहां पर होगी।